सदाब आप काउंटीज खेलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज में जाके, बाकी प्लेयर्स का जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं उनका रिस्पांस कैसा होता है व्हेन दे फाइंड आउट कि वो इज अ पाकिस्तानी फुटबॉलर? यस, बिकॉज हम जब दूसरे कंट्री लीग खेलने जाते हैं ना, वो हमें एज ए प्रोफेशनल प्लेयर देखते हैं, वो हमसे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज आप किसी के कंट्री में जाते हैं, अपने अंदर टैलेंट होता है ना, तो आपसे कुछ आपके स्किल्स होते हैं वो आपसे डिमांड करता है, यू शुड नीड टू परफॉर्म मोर, ताकि आप हमारे से बेटर परफॉर्म करें। बिकॉज हमने इसलिए लिया ताकि हमारी टीम अच्छा हो, हम लीग में अच्छा परफॉर्म, तो आपके ऊपर प्रेशर होता है। और जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, शुरू में होता है वेदर का, फिर उनके साथ कल्चर का, लैंग्वेज का, आस्ते आस्ते आप उनके साथ एज ए, बिकॉज फुटबॉल इज़ अ टीम गेम, यू नीड टू बी ए, यूनिटी चाहिए होती है, फ्रेंडशिप बनाना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ता है, देन यू नीड टू परफॉर्म। तो ये फीफा ने बैन लगाया हुआ था, हाँ, अभी पीछे काफ़ी टाइम से हमारे फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन को लेके इशू चल रहे थे, तो रिसेंटली भी 1 वीक हुआ है, तो अभी जो फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी के एंड ओवर जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के एंड ओवर दिया हुआ था, तो उनको वापस हमारा फेडरेशन मिल गया गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के तरफ से। मैं आई अप्रिशिएट दिस ग्रेट इनिशिएटिव हमारे मिनिस्ट्री के मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये एफर्ट लिया कि हमारे एनसी को वापस हैंड ओवर कर दिया फेडरेशन। लेकिन अभी तक 4 वीक्स या 5 वीक्स लगेंगे और फीफा से भी बैन हट जाए, ताकि हमारे जो विंडोज़ आ रहे हैं, हमें बाहर लीग खेलने जाना है, ताकि एनओसी का इशू ना हो। हम रुके हुए हैं बाहर लीग पे, विंडो काउंटीज खेलने जा नहीं पा रहे बिकॉज अब एनओसी नहीं है, फीफा से ब्रेक लगा हुआ है, बैन लगा हुआ। और एक्चुअली सिंध सुपर लीग भी मैंने सुना था कि आने वाला है फुटबॉल का, सिंध सुपर लीग, सिंध गवर्नमेंट का एज ए ग्रेट इनिशिएटिव लिया है, सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कल्चर और अफेयर ने, और सिंध ओलंपिक का भी सपोर्ट है इस इवेंट को लाने में। बेसिकली मकसद ये है कि पाकिस्तान के बच्चों को स्पेशली और सिंध के बच्चों को भी फुटबॉल और दूसरे स्पोर्ट्स पर काम करते हैं। फर्स्ट टाइम सिंध सुपर लीग का आगाज़ किया ताकि सिंध के अंदरूनी सिंध के भी अमर्जिंग प्लेयर्स को मौका मिले। उसमें 6 इंटरनेशनल प्लेयर हैं ईच टीम में, जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, और बाकी जो है 14 डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ अमर्जिंग प्लेयर्स हैं, ताकि उनको उनके साथ खेल का एक्सपीरियंस मिले और सीखने को भी मिले। और इट्स गोइंग टू बी ए गुड इवेंट, और इंशाल्लाह ऑफ कोर्स वी विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू सिंध सुपर लीग। मुझे एक बात बताएं, क्या जो छोटे बच्चे हैं यू नो हु वांट टू प्ले फुटबॉल, ये जो ट्रेन होना चाहते हैं, वो कहाँ जाएं, क्या करें? क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक परसेप्शन है कि जो फुटबॉल है पाकिस्तानी, वो सिर्फ लियारी तक महदूद है। नहीं, हमारे अब पूरे पाकिस्तान, आपको टेक्नोलॉजी आ गया है, लोग देखते हैं बड़े बड़े वर्ल्ड स्टार्स को, हम लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं टीवी पे, इंटरनेट इज़ वेरी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, हर घर में पहुंच चुका है, बच्चों के हाथ में, यूट्यूब पे देखते हैं, रियल मैड्रिड रोनाल्डो मेसी जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को देखते हैं, तो उनको सीखने अब हर जगह है टैलेंटेड प्लेयर्स। लेकिन बात आपने कहा कि कहाँ जाके अकेडमी, हमारे यहाँ उस लेवल के अभी तक अकेडमीज नहीं है जिस तरह बच्चों को डील कर सके, उनको फाइनेंशियली भी हो, उनको एजुकेशन के साथ बोर्डिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, जिसे बाहर का एजुकेशन के साथ उस स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और एजुकेशन भी सिखाते हैं। लेकिन आई विश के इन फ्यूचर आ जाए इस तरह, जो मेरा विजन है। लेकिन कुछ अकेडमीज़ अभी बिल्ड हुए हैं, इस्लामाबाद में है, वाइब्रेंट है, फोपो एफसी इज डूइंग ग्रेट जॉब, वो अपना हॉस्टल रखा हुआ है, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनको अच्छी ट्रेनिंग अंडर सुपरविजन ग्रेट सर्टिफाइड कोचेस के अंडर ट्रेनिंग करा रहा है। और कराची यूनाइटेड है, और एफसी कराची है, एक और दो कराची सिटी एफसी का अकेडमी है कराची में, गुलशन सोकर, ऐसे बहुत सारे हैं। और बाकी हमारे जो लोकली लियारी में भी ऐसे ग्रेट अकेडमीज़ हैं, जो मैंने खुद भी लियारी के उस टाइम वो ग्राउंड मट्टी था, ककरी ग्राउंड सुना होगा, मैं मलिर से वहाँ जाता था, मेरे उस्ताद जो वहाँ से मैं सीखता था, वो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स थे और केपीटी में कोच भी हैं, तो वहाँ सीखता था। तो अगर आपको विलिंग हो, चाह तो आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपको फुटबॉल या किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी प्रोफेशन से अगर आप मतलब मुंसलिक होना चाहते हैं, इंटरेस्ट हो आपको, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको जज्बा होना चाहिए, आपको अपने, मुझे ऐसा लगता है कि सदाम जज्बे से ज़्यादा आपको जिस फील्ड में आपको अपना नाम बनाना है उसके लिए आपको जुनून की जुनून चाहिए। हमें हमेशा फुटबॉल को भी प्रमोट करना चाहिए, जस्ट नॉट क्रिकेट, क्रिकेट हमारा बहुत ही बिलावड गेम है, लेकिन हमें चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, स्नूकर हो, जितने भी स्क्वाश हो, टेनिस हो, हमें पाकिस्तान के इन सारे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। बट इस वक्त हम फुटबॉल की बात करें, सदाम एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम, सदाम थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड मेकिंग टाइम फॉर आवर शो, बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार।